बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भरोसा जताया कि बंगाल की जनता ममता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। पिछली बार आप आए थे तो पत्थर बरसाए गए थे, इस बार जनता फूल बरसा रही है। उस समय भी फूल ही बरसा रही थी। टीएमसी के लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, उनकी जो संस्कृति है वो फिजिकल लिक्विडेशन से लेकर प्रशासन के राजनीतिकरण और राजनीतिकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना, ये टीएमसी का कल्चर। प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर दिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत। आपने एक नया अभियान शुरू किया है, एक मुठो चावल, क्या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ममता जी ने यहाँ हर एक वर्ग के साथ अन्याय किया, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। मोदी जी ने सभी के साथ न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, लगभग 73 से 76 लाख किसान इससे वंचित हैं। हमने तय किया है सौगंध खाई कि हम किसान का अन्न खा, कृषक सुरक्षा अभियान इसको हम चलाएंगे, कृषि भोज करेंगे, 40,000 ग्राम सभाएं करेंगे, 40,000 ग्राम सभाओं में शपथ लेंगे और हमारी सरकार आएगी।